Everyone, how are you? Welcome back to this innovative edge. And today in this video, we are going to continue the same topic, Cry the Peacock, that is written by Anita Desai. So earlier also, we have started it only, but then have done the second chapter. Usme kuch pages humne kiye. To jahan se bhi pending tha, aap ye video dekhne se pehle, please wahan se isko connect kar lijiye. Main uske aage se start kar rahi. To आपने देखा कि यहाँ जो डिस्कशन चल रहा है वो माया और उसके हस्बैंड के बीच में आपस में जो बात चल रही है गौतमा के बीच में उसका एक डिस्कशन चल रहा है और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सी, थोड़ा सा पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग नहीं है ये, क्योंकि इन दोनों की आपस का डिस्कशन चल रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट लेना हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. You are still frightened. तुम अभी भी डरी हुई हो. आपने देखा होगा कि उसका जो डॉग है वो मर गया था, तो ये उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसकी डेथ के बाद में. गौतम उससे कहता है अपनी वाइफ से कि तुम अभी भी डरी हुई हो. His voice reassuring. उसकी जो वॉइस है वो ये अश्योर कर रही है विद अ लॉजिकल काम कि अभी तक भी डर रही हो. अरे कितना कितनी देर हो गई उस बात को. बट वाई, लेकिन क्यों? Now it is all quite over. अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है and finished with. सब कुछ खत्म हो चुका है, वो मर गया है, उसको हमने भेज भी दिया, अब भी तुम उसको लेके डर रही हो. He did not really suffer long. अरे तुम्हें पता है वो ज्यादा परेशान नहीं हुआ. हम कहते हैं ना, चलो अच्छा है टाइम से ही मर गया या फिर ज्यादा उसको तकलीफ नहीं हुई. If you would like a straw to cling. स्ट्रॉ टू क्लिंग मतलब तुम्हें यदि बात का बतंगड़ बनाना है, इस मुद्दे को खींचना है, तो फिर तुम खींचते जाओ, है ना. ही डिड नॉट सफर लॉन्ग. बस मैं इतना कहूंगा कि उसको ज्यादा दुख हुआ नहीं वैसे जो तुम सोच रही हो और इतना परेशान हो रही हो उसको लेके. इट वॉज ओवर बिफोर द वेट अराइव. वेट मतलब जो डॉक्टर था, है ना, उसके आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था, यानी कि वो मर गया था, है ना. द वेट वुड ओनली हैव प्रोलॉन्ग द पेन. और यदि डॉक्टर आ भी जाता पहले तो वो क्या करता, उसको इंजेक्शन देता या फिर उसका ट्रीटमेंट करता, तो उससे उसको और ज्यादा पेन होता, है ना. एंड इन केस लाइक दिस, उस केस में तुम जानती हो क्या होता. ही माइट हैव हेल्प. आई विम्पोर्ट. कौन? उसकी वाइफ. वो बीच में ही बोल पड़ती है और कहती है कि डॉक्टर आता तो वो उसका हेल्प करता, कुछ ना कुछ तो हेल्प उसकी करता ही ना वो. Knowing it had been hopeless, उसको ये I whimpered. Whimpered का मतलब क्या होता है? रोते रोते, है ना, ठिठकते ठिठकते से वो उसको बोल रही, जब धीरे धीरे रोते हैं उसमें में कि वो आता तो उसकी कोई ना कोई तो हेल्प होती ही. बट इट हैड बीन होपलेस. बट इट वॉज होपलेस, ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. सच में ये होपलेस था, वो आता तो कुछ नहीं करता. गौतमाज वॉइस इकोइंग माय साइलेंट नॉलेज वॉज लाइक अ सपोर्ट टू वॉट एवर वेवर्ड एंड शू वीकली इन माय माइंड विंड स्वेप्ट माइंड. तो गौतमा की जो ये वॉइस थी जो वो बोल रहा था कि हाँ सच में वो होपलेस ही था, डॉक्टर का आना या जो भी तुम बोल रही हो वो उससे कुछ नहीं होने वाला, तो उसकी जो ये आवाज थी वो मेरे दिमाग में एको कर रही थी टू माई साइलेंट नॉलेज, जो कि क्या कर रही थी, एक तरह से सपोर्ट था जो कुछ भी मेरे दिमाग में अब तक चल रहा था, वेवर्ड वेवर्ड कर रहा था, यानी कि जिसकी वजह से मेरा दिमाग घूम रहा था इस पूरे हफ्ते, है ना. इन माई विंड स्वेप्ट माइंड. विंड स्वेप्ट मतलब अस्त व्यस्त दिमाग, जिसमें इतने सारी चीजें चल रही थी, उसको वो जिनकी वजह से वो सब घूम रहा था उधर, जो गौतम की आवाज है उसने एको कर दिया, है ना. एज इट हैड बीन ऑन काउंटलेस सिमिलर ओकेजन, जैसा कि इससे पहले भी हो गया, मतलब इसकी आवाज से ना मेरा दिमाग घूम गया. ओके, जैसा कि पहले भी हो चुका है. एज ऑलवेज इट क्रिएटेड इन मी अ सेंसेशन. और हमेशा की तरह इसकी इस बात ने, गौतमा की इस बात ने मुझे मेरे दिमाग में एक सेंसेशन क्रिएट कर दी. अ मच लव लॉन्ग कॉर्टेड सेंसेशन. मच लव एंड लॉन्ग कॉर्टेड, एक लंबा सेंसेशन. सेंसेशन क्या होती है? संवेदना, है ना, एक फीलिंग मेरे अंदर उसकी जो बात है उसने वो लेके आया. ऑफ वॉकिंग थ्रू अ डार्क एंड वेट नाइट विथ समबडी बिसाइड मी. किस बात, कहाँ चली गई मैं, मतलब उसकी बात को सोचते हुए. वॉकिंग थ्रू अ डार्क एंड वेट नाइट, एक बारिश वाली इवनिंग में या नाइट में जो कि अंधेरी थी, किसी के साथ घूमना.
somebody beside me who carried a lantern, जिसके हाथ में एक लैंटर्न था, a staff and a blanket. Okay, ऐसे किसी इंसान के साथ जाते हुए मुझे वो जो कुछ इमेजिनेशन है वो मेरे दिमाग में वो सेंसेशंस क्लिक करती है. आई मूव्ड क्लोजर टू हिम इंस्टिंक्टिवली. मैं उसके थोड़ा पास गई. इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है जान बूझ के, सहज फॉर्म में, कॉन्शियस वे में. ही टोल्ड अस इट हैड, तो उसने मुझे बताया दैट इट हैड बीन होपलेस. कि उसने मुझे कहा कि अरे ये सब होपलेस है, यानी कि इससे तुम कुछ उम्मीद नहीं रखनी थी. Stopping, stopping to light a cigarette, cigarette बुझाते हुए. I'm only sorry about your having been alone with the body all day. मुझे बस इस चीज का दुख है. किसने बोला? गौतमा ने. मुझे सिर्फ तुम्हारी इस चीज का दुख है कि तुम उस मरे हुए कुत्ते के साथ पूरे दिन थी अकेले. With no one to put it away, क्योंकि घर पे कोई नहीं था जो उसको वहां से हटा सके. But by now it must have been cremated. लेकिन अब तक उसको cremate कर दिया होगा, है ना? क्योंकि उसको वो ले गए थे. I drew away from him with a jerk. मैं उससे थोड़ा दूर हो गई झटके से. No, stop, I said softly. Why do you tell me this? तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि अभी तक क्रिमेट कर दिया होगा? He mused for a while. कुछ देर के लिए वो रुक गया, सोचने लगा क्या बोल रही है. As we walked on up the lawn, farther apart now than we had been, थोड़ा एक दूसरे से दूर हम वॉक करने लगे. Yes, he said, हाँ हाँ. Why do I? अरे मैं ऐसा क्यों कहूंगा? Why do I choose to think of you as one of those mysterious people who find such comfort in hocus pocus? Okay? अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोचूंगा कि तुम उन mysterious लोगों में से हो जो कि अपना comfort देखते हो hocus pocus. Hocus pocus मतलब meaningless बातों में, है ना? सच छिपाने के लिए. इन द बोगस सेरेमनीज एंड चाइल्डिश ट्रिमिंग्स. बोगस फालतू की सेरेमनीज में और चाइल्डिश ट्रिमिंग्स में. ट्रिमिंग्स का मतलब होता है बच्चों की, जैसे किसी चीज को बड़ा चढ़ा के लाइक प्रेजेंट करना, उन सब चीजों में तुम इंटरेस्ट लेती हो. मैं ये सब कैसे कहूंगा? विद विच वी बरी आर डेड. और वही तुमने लाइक उसने क्या किया, वो चाहती थी कि उसको क्रिमेट करो जैसे ह्यूमन बींग की तरह, उसका जो लास्ट टाइम है उसको स्पेंड किया जाए, है ना? उसकी वही उसको बरी किया जाए, उसका क्रिमेशन किया जाए. तो विथ विच वी बरी आर डेड, हमने क्या किया है जो हमारा डॉग है उसको भी वही बोगस सेरेमनीज एंड ऑल इन सब में जो किया है, ऐसा सब कुछ मैं क्यों कहूंगा? मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ. टू मी इट हैज ऑलवेज सीन द अल्टीमेट अब्सर्डिटी. मेरे लिए जो तुमने ये काम मुझसे करवाया है उसकी, है ना, क्रिमेशन वाली बात जिससे तुम इतना भड़क रही हो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे लिए ये चीज बिल्कुल बेवकूफी है, है ना? अप्रोप्रिएट ओनली इन दैट इट ब्रिंग्स अ मीनिंगलेस लाइफ टू अ सिमिलरली मीनिंगलेस एंड. मतलब मैं यही बात कहना चाहूंगा कि एक मीनिंगलेस लाइफ यानी कि बकवास जीवन के लिए तुमका एक बकवास एंड, है ना? इतना ही मैं उस चीज को अप्रोप्रिएट मानूंगा. मैं तुम्हारी तरह ये सारी चीजें नहीं करूंगा जो तुमने बच्चों की तरह जितने भी सजावटें की है या फिर उसके लिए जो भी किया है क्रिमेशन एंड ऑल, वो सब फालतू के दिखावा मैं नहीं करूंगा. नो डाउट द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ दोज हु आर बरीड. देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज्यादातर लोग या ज्यादातर चीजें जिनको हम बरी करते हैं या फिर है ना गाड़ देते हैं या फिर क्रिमेशन करते हैं, अंतिम संस्कार जिनका करते हैं, वो सराउंडेड बाय द फ्रिल्स एंड फ्लैप्स ऑफ पायस फ्रिवोलिटी. वो क्या होती है, किससे सराउंडेड होती है? उनके चारों तरफ जो चीजें होती है वो क्या, फालतू के तामझाम, फ्रिल्स एंड फ्लैप्स ऑफ पायस फ्रिवोलिटी. पायस फ्रिवोलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रिवोलिटी वर्ड का मीनिंग होता है ओछापन, है ना? और पायस मतलब किसी चीज के अंदर आप पॉजिटिवली, है ना, उस चीज को में बिलीव करते हो, है ना? ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है. Enjoy the vision of it while alive. अरे तुम्हें उसको enjoy करना था तो जिंदा था तब करो, मरने के बाद क्या उसका cremation करना, ये करना वो करना, इतना उससे attachment रखना, morbidity. मेरे लिए ये सब क्या है? Sickness. Sickness मतलब जब कोई आदमी किसी thought को लेके दिमाग में बैठा के रखे और उसके बारे में ज्यादा सोचता रहे, एक तरह से होता है ना किसी सोच का बीमार.
वो मेरे लिए हो, यू माइट से बट इट इज नॉट रियली दैट. तुम इसको मोबिटी कह सकते हो बट ये ऐसा नहीं है. इट इज अ बिलीफ इन दीज फ्रिवॉलिटीज. इन फ्रिवॉलिटीज में भी जो तुमने कहा ना कि ये ओछापन है, इन ओछेपन में भी बिलीफ होता है. ये दोनों पति पत्नी आपस में आर्ग्यू कर, इसमें भी बिलीफ होता है. हैविंग नो ग्रेटर वैल्यूज दे अप्लाई देमसेल्व विद पैशन टू द लेसर वंस. हैविंग नो ग्रेटर वैल्यूज, ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं रखते हुए दे अप्लाई देमसेल्व विद पैशन, वो अपने अंदर पैशन रखते हैं टू द लेसर वंस विच आर नॉट वैल्यूज एट ऑल. उनके लिए भी जो छोटे हो, जिनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती हो. ऑफकोर्स फॉर वैल्यूज मस्ट हैव अ स्टैंडर्ड अ क्राइटेरिया. वैल्यूज के लिए भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए. ठीक है, आई लिसन टू हिम, मैंने उसकी सारी बातें सुनी हाफ अटेंटिवली. कौन कह रहा है? उसकी वाइफ. ये सारी बातें वो बता रही है कि वैल्यूज रख, वो बता रहा है लाइक उसका हस्बैंड ना, कि मेरे लिए जो तुम सोच रही हो उसका क्रिमेशन करना, ये वो, ये सब मेरे लिए बकवास है. आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज, है ना. और जो भाई तुम्हें एंजॉय करना है तो उसके जीते जी उसको जितना खिलाना है खिलाओ. अब मर गया उसके बाद भी तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? एक तरह से मुझे लगता है कि तुम किसी सोच के बीमार हो, उसकी तरह तुम बिहेव कर रही हो. ठीक है, आई लिसन टू हिम हाफ अटेंटिवली. मैंने आधी बात उसकी बातों को सुना. कैसा? हाफ अटेंटिवली मतलब आधा सुना आधा नहीं सुना. हाफ पेंसिवली मतलब थोड़ा उदास थी मैं. माई थॉट स्ट्रेइंग फ्रॉम द स्ट्रीट, मेरे जो थॉट्स थे वो इधर उधर घूम रहे थे, यानी कि उसकी बात को भी नहीं सुन रही थी, ना ही मेरे दिमाग में एक ही विचार आ रहा था, कभी क्या कभी क्या. कॉबल्ड पाथ ऑफ हिज मार्च, मार्च मतलब वो जो उस रास्ते पे चल रहे थे अपने पार्क में. और कॉबल्ड होता है इस तरह के रास्ते पार्क के अंदर जो पत्थर से बने हुए रहते हैं बीच बीच में. ओके, तो उसको हम कॉबल्ड पाथ कहेंगे. इनटू साइड लेन्स बाय लेन्स ऑफ माय ओन चूजिंग एंड माय ओन मेकिंग, है ना. साइड लेन्स की कॉबल्ड पाथ में मैं उसके साथ चल रही थी और मेरी जो लेन्स थी उसके साइड में ही, लाइक उसके पास में मैं चल रही थी, बट मैंने अपनी लेन खुद ही चूज कर ली थी. लाइक वो दोनों साथ में नहीं चल रहे थे, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर चल रहे थे लेकिन बातें करते हुए. ओके, रिटर्निंग नाउ एंड देन टू सी इफ ही वर स्टिल प्लॉडिंग अलोंग एज ही हैड बीन व्हेन आई डिजर्टेड. और जैसे सपोज कैसे आप इसको इमेजिन करोगे, एक रास्ते पे हस्बैंड वाइफ चल रहे हैं. ओके, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों के विचार मिल नहीं रहे. ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है कि एक ही बात दूसरा सुन रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ हैं सो दे आर गोइंग टुगेदर. तो ये कोबल्ट पाथ है जिसपे वो चल रहा है और साथ में ये भी चल रही है. अब सोचो पार्क है, कभी वो इधर जा रही है कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है. उसके दिमाग की जो थॉट्स हैं वो भी इस तरह से घूम रहे हैं. वो पूरी तरह अटेंटिवली उसको नहीं सुन रही क्योंकि उन दोनों के जो थॉट्स है वो मैच नहीं कर. ठीक है, प्लॉडिंग अलोंग. मैं ये देख रही थी कि उसके जो ये देखने के लिए मैं इधर वापस लौटती कि उसके जो इफ यू आर स्टिल प्लॉडिंग अलोंग, क्या अभी भी वो मेरे साथ चल रहा है. एज ही हैड बीन व्हेन आई डेजर्टेड हिम, उस समय पर जब मैं उसको जब वो अकेला था और मैं उसका साथ दे रही थी, क्या वो भी आज मेरे साथ चल रहा है. कमिंग टू ऑफर हिम अ हैंडफुल ऑफ ब्रशेस आई हैड कलेक्टेड, जब वो प्रॉब्लम में था या जब वो अकेला था तो मैं उसके साथ चलती थी. और एन ऑर्डली शेप शेप्ड पेबल फॉर ही वॉज एट टाइम्स प्लीज टू एक्सेप्ट दीज ऑफरिंग. और मैं उनको क्या कहती थी, ऑर्डली शेप पेबल्स, अलग अलग पेबल्स जो होते हैं ना पत्थर गोल गोल, वैसे उसको ऑफर करती थी कि इनसे तुम्हें पीस मिलेगा एंड ऑल. ठीक है, तो उस टाइम उसको ये सब चीजें अच्छी लगती थी जो भी मैं उसको देती थी. एंड एड देम टू हिज सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन, और तब वो मुझे क्या करता था, मतलब उन चीजों को भी अपनी कन्वर्सेशन में लेता था ना. एज ग्रिस्ट टू अ मील, ग्रिस्ट टू अ मील क्या था, मील मतलब चक्की, चक्की में एक मुट्ठी भर अनाज का दाना आप डालो तो वो फिर से पीसने लगते हैं ना. तो उसी तरह से लग हमारी जो कन्वर्सेशन ना चलती रहती थी. क्यों? क्योंकि यदि मैं कोई चीज ला के देती थी तो वो उसको एक्सेप्ट भी करता था और उस पर भी बात करता. लेकिन अभी हमारे मेरे और उसके जो थॉट्स हैं वो एकदम अपोजिट हो चुके हैं. Why meaningless? I interrupted him. तुम जो बातें कह रहे हो कि ये सब फालतू है जो भी मैं कर रही हूँ, क्यों है ये फालतू? You always say things like that, तो हमेशा ऐसे ही बोलते हो. As though it didn't matter whether people lived or died. ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे लिए कोई मैटर ही नहीं करता कि आदमी जिए मरे. It doesn't, he snapped. बीच में ही लपक के बोलते, अरे नहीं यार, not with the majority of dimwits and numbskulls. It doesn't.
देखो बहुत सारे जो डिमविट्स यानी कि जो बेवकूफ है, मूर्ख है ना, मंद बुद्धि है, उल्टी खोपड़ी है, उनके साथ नहीं, ये बात जो मीनिंगलेस है वो है। दे आर अ पैक ऑफ शीप इन एनी केस, वो एक तरह से भेड़ों के झुंड है जो क्या करते हैं, एक जो कर रहा है उसको दूसरा कॉपी करता है। इट इज ओनली द फ्यू हु लीड दीज एनिमल्स, कुछ ही है जो इन एनिमल्स को, अब एनिमल्स किसको कह रहा है, एनिमल्स कह रहा है उसकी वाइफ की थॉट को, है ना। तो इट इज ओनली द फ्यू हु लीड दीज एनिमल्स, द वंस हु आर कैपेबल ऑफ लॉजिक एंड एनालिसिस, है ना। सिर्फ वो जो कि लॉजिकल हो, एनालिसिस हो, है ना, वो सब मैटर करते। देयर लाइव्स आर ऑफ इम्पोर्टेंस एंड द ट्रिवियलिटी ऑफ देयर एंड इज सैडनिंग, उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट है बट उनका जो उनके जो उनकी जो ट्रिवेल उनका जो एंड है, उसकी जो ट्रिवेलिटी, ट्रिवेलिटी मतलब तुच्छ चीजें या छोटी चीजें, वो क्या है, सैडनिंग है ना, मैं ये मानती। येट आई हैव नोन सच मैन, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, इंटेलिजेंट रीजनेबल मैन टू डिस्कस, इंटेलिजेंट और रीजनेबल मैन जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, विद द सेम एबिलिटी द शीप हैव, जिनमें भी सेम एबिलिटी है, सेम एबिलिटी मतलब उनमें उनसे बात करने में भी मुझे उतना ही इंटरेस्ट है, चाहे जो एक होता है ना पैक ऑफ शीप, यानी एक तरह के लोग, भेड़ झुंड है ना, भेड़ों का झुंड। वैसे द ब्यूटी ऑफ बरियल इज अपोज टू द ब्यूटी ऑफ क्रिमेशन, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, ब्यूटी ऑफ बरियल यानी किसी को बरी करने का या फिर किसी को गाड़ने का जो ब्यूटी है, और किसी को क्रिमेट करने का जो ब्यूटी है ना, दे अपोज टू इच अदर, आर्ग्यू अबाउट इट एज दो इट वर अ फाइन पॉइंट इन थियोलॉजी, इस तरह से आर्ग्यू करना इस चीज के बारे में जैसे कि ये कोई थियोलॉजी का, धर्म शास्त्र का कोई बहुत ही बड़ा मुद्दा हो। नाउ दिस इज कंफाउंडिंग, है ना, नाउ दिस इज कंफाउंडिंग, ये बहुत ही सरप्राइज करने वाली चीज है। फॉर दीज आर मेन हु डेडिकेट देमसेल्व्स टू द सॉलिडिटी ऑफ थॉट्स ऑफ फैक्ट्स, कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं किस चीज के लिए, थॉट्स और फैक्ट्स की सॉलिडिटी पर, ना उसकी दृढ़ता पर अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। बरियल एंड क्रिमेशन आर फैक्ट्स, गौतम, है ना, बरियल एंड क्रिमेशन आर फैक्ट्स, गौतमा तुम ये समझो कि बरियल और क्रिमेशन जो है वो फैक्ट्स हैं, फालतू चीजें नहीं है। He shook his head vigorously in contempt, और उसने अपना सिर हिलाया vigorously, vigorously का मतलब क्या होता है, जोरों के साथ, हाँ हाँ ठीक है। इन कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से ना तो इंसल्ट के फॉर्म में, ठीक है, तिरस्कार के फॉर्म में, कि हाँ हाँ जो तो कह रही सही है। एज दो ही विश टू ड्राइव मी अवे फ्रॉम हिज, ऐसा लगता था कि वो चाहता था कि निकल यहां से। फैक्ट्स दैट मैटर, आई मीन नेचुरली, उसने कहा मैं उन फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो मैटर करते हो, वो भी कैसे, नेचुरली, ही सेड इन एक्सट्रीम इरिटेशन, चिढ़ के बोलता है, अरे वो फैक्ट्स नहीं जो तुम समझ रहे हो, मैं कह रही हूँ, मैं कह रहा हूँ वो फैक्ट्स जो कि मैटर करते हो नेचुरल वे में। नाउ आई वॉज फुली विद हिम, अब मैं पूरी तरह उसके साथ थी, फॉलोइंग हिम डाउन द रफ कॉबल्स ऑफ हिज स्ट्रेट पाथ, उसके साथ, है ना, कॉबल्स के स्ट्रेट पाथ पे उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। बट हाउ कैन यू टेल विच फैक्ट्स मैटर, आई क्राइड, तुम कैसे कह सकते हो कि कौन सा फैक्ट मैटर करता है और कौन सा नहीं, भाई तुम कौन हो, आई मीन हाउ कैन यू डिक्टेट, तुम कैसे ये चीज बता सकते हो। ओ गौतमा, पैट्स माइट नॉट मीन एनीथिंग टू यू, तुम्हारे लिए पालतू जानवर कुछ मतलब नहीं रखते होंगे, एंड येट दे मीन द वर्ल्ड टू मी, पर मेरे लिए वो पूरी दुनिया है। टीयर्स स्प्रिट, आंखों से आंसू निकलने लग गए उसके, वॉर्म सलाइन, गरम गरम सलाइन, है ना, नमकीन नमकीन, डेंजर डेंजर, आई वीड अवे सॉबिंग अ लिटिल, मैं क्या करने लगी, रोने लगी, मुड़ गई वहां से, पहले तो रोते रोते, सॉबिंग मतलब ना धीरे धीरे रोते रोते वहां से निकल गई, मुड़ गई। लिविंग लिविंग माइट नॉट मीन मच टू सम पीपल, है ना, किसी किसी को, कुछ कुछ लोगों के लिए, किसी इंसान का या किसी जानवर का या किसी का जिंदा रहना मैटर नहीं करता होगा, बट वेन दे डाय, जब वो मर जाते हैं, दे वॉन्ट इट टू हैपन स्पेंडेडली, वो चाहते हैं कि भाई आलिशान वे में मरना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, समथिंग दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एजेस,
बाय एवरीबडी। वो ऐसा चाहते हैं कि इस तरह से उसका अंत होना चाहिए जो कि वो हमेशा के लिए लोग लोग उसको याद रखें। आ ही क्राइड, अब ये बात उसने बोली माया ने। अब ये जोर से बोलते हैं चिल्ला, टर्निंग टू मी, मेरी तरफ देखें, हिज वाइट फेस स्प्रिंगिंग आउट फ्रॉम बीनीथ हिज हेयरलाइन, सफेद जो उसका चेहरा है एकदम, है ना, हेयरलाइन बीनीथ, लाइक है ना, एक तरह से है ना विरोध करने के फॉर्म में, वो रिप्लाई देने के वे में वो मुड़ता है और बोलता है, परसेप्टिबली एज दो टू पाउंस अपॉन समथिंग ही हैड रिकॉग्नाइज्ड। पाउंस अपॉन का मतलब किसी बात को, जैसे मैंने कुछ बोला और उस पे लपक के उस बात के ऊपर कुछ दूसरी बात बोलना चाहे, अच्छा ये है ना, तो परसेप्टिबली, परसेप्टिबली मीन्स प्रत्यक्ष रूप में, जस्ट अपोजिट टू जो मैंने बोला है ना, ही वॉन्टेड टू पाउंस अपॉन द थॉट, जो भी मैंने बोला उसके ऊपर तुरंत रिप्लाई करता है, यू हैव डन इट वंस अगेन, तुमने फिर से ये किया माया, यू गो चैटरिंग लाइक अ मंकी, तुम कितना बोलती हो एक बंदर की तरह, एंड आई एम अनॉयड, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, दैट आई हैव बीन इंटरप्टेड इन माई थिंकिंग, कि तुमने मेरी सोच में इंटरप्ट किया है, बट बींग अ क्रीचर ऑफ इंस्टिंक्ट, अरे इंसान होने के नाते यू डू every now and then stumble purely by accident, I'm sure, upon the salient point of the problem, the very solution in this case. मतलब मैं तुम्हारी कैसी आदत है, इतनी देर से दोनों आर्ग्यूमेंट करे जा रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम एक इंसान होने के नाते तुम हमेशा क्या करती हो ना, स्टम्बल प्योरली बाय एक्सीडेंट है ना, थोड़ा सा जंप करते हैं, ठुकरा जाता है वैसा कुछ सेंस में, आई एम श्योर अपॉन द सेलिंग पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम, छोटी छोटी सी बात पे तुम, छोटी सी मुसीबतों पे भी तुम, द वेरी सॉल्यूशन इन दिस केस, दे वांट समथिंग दैट विल बी रिमेम्बर ना, द डिजायर ऑफ इमोर्टल है ना। फिर वो बोलती है अरे भाई उनको ऐसा कुछ चाहिए जिससे वो रिमेम्बर रखे, द डिजायर ऑफ इमोर्टिलिटी, यदि लोग याद रखेंगे तो वो जिंदा रहेगा अपनी यादों में। ही सेड, फिर चीख, हैस्टिली लिट अनदर सिगरेट, फिर से दोबारा सिगरेट जलाता है और कहता है, नाउ व्हाट इज देयर इन द एंशिएंट राइट ऑफ क्रिमेशन दैट इज वर्थ रिमेम्बरिंग। अब मुझे तुम ये बताओ कि जो पुराने हमारे राइट्स हैं क्रिमेशन का, जिसमें जला देते हैं या गाड़ देते हैं, उसमें याद करने जैसा क्या है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। अ वेल्दी जमींदार माइट इंट्रोड्यूस नोवेल्टीज इन टू हिज हाउस, एक अमीर जमींदार है वो इसलिए करता होगा कि वो नॉवेल्टीज अपने घर में रखना चाहता हो, टू इम्प्रेस फैशनेबल मोटर कार्स, बट ही विल नॉट डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशन व्हेन इट कम्स टू बर्थ मैरिज और डेथ, है ना। यानी एक जो वेल्दी जमींदार है वो अपने घर में जो रख सकता है ये चीजें, किस चीज के लिए, शो ऑफ के लिए, है ना, लेकिन वो भी अपना जो बर्थ है, मैरिज और डेथ है, उनसे छेड़खानी नहीं करेगा। ओ नो, है ना, ओ नो, एंड व्हाई, नहीं पर क्यों, बिकॉज ही नोज, वो जानता है, इवन द वर्स्ट फूल विल एक्सेप्ट दिस, मूर्ख से भी मूर्ख होगा ना तो वो भी ये चीज मान लेगा, ये सच्चाई जान लेगा या मान लेगा, बाय शियर फोर्स ऑफ परसिस्टेंस, है ना, ड्रेड सांस, है ना, वो ये चीज मान लेगा, दैट द ओनली थिंग दैट कंटिन्यूज टू लाइफ इज ट्रेडिशन, एक ही चीज जो है वो दुनिया में चलती जाती है वो है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, नॉट एवरी ट्रेडिशन, एंशियंट एज इट माइट बी, जितना ज्यादा पुराना हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज हैव द एंटी डिलूवियन सेक्टर अमिडस्ट द ओल्डर जनरेशन। क्या बोल रहा है वो, कि देखो ट्रेडिशन एक ऐसी चीज है जो चलती जाती है, हर कोई मानता है ट्रेडिशन को, पर हर एक ट्रेडिशन को नहीं, वो ट्रेडिशन जो एंशियंट टाइम से हमेशा चलते जा रहे हैं, है ना, दे हैव द एंटी डिलूवियन सेक्टर, एंटी डिलूवियन क्या होते हैं, पुराने से भी पुराना, प्रलय के भी पुराना, जो आदि काल से चला रहा है वो ट्रेडिशन, अमिस द ओल्डर जनरेशन दैट स्पेंड्स इट्स टाइम इन वॉसिफेरसली मॉर्निंग बायगॉन वेज, है ना, किसमें, ओल्डर जनरेशन में, पुरानी जनरेशन में वो चीज चली जा गई थी, दैट स्पेंड्स इट्स टाइम, जिसका टाइम निकल गया है, vociferously mourning, है ना, यानी कि outspoken mourning जो कि निकल गई है, mourning in the sense is like दुख, है ना, या कोई भी चीज जो कि old tradition में अभी तक चलता आ रहा है,
बट दोज दैट हैव सर्टेन रीजंस, पर उनके कुछ रीजंस हैं एंड हैव प्रूव्ड बाय टाइम, और उन्होंने अब तक उन चीजों को प्रूव कर दिया है ना टू बी ड्यूरेबल, इसी वजह से वो ड्यूरेबल रहे हैं, भले ही वो बहुत पुराने थे, है ना। मैं मानता हूँ, अब ये बहुत ज्यादा तर्कवादी है ना, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अपोजिंग, पर वो उसको समझा रहे हैं। Having endured, they must be worthy of endurance. यदि कोई चीज endured है, endured का मीनिंग क्या होता है? जो चीज सहनी है ना? Having endured, they must be, किसी चीज को हम सह रहे हैं ना, तो वो उस सहने के लायक है, क्योंकि पुरखों में लोगों ने उस चीज की ड्यूरेबिलिटी को जांच लिया है कि ये चीज रिक्वायर्ड है। Claim these simple souls and thus they find something they can dedicate their small silly minds to with employment. और फिर इन चीजों को क्लेम किया, क्लेम दी सिंपल सो एंड देन दे फाइंड समथिंग दे कैन डेडिकेट, कि वो इन चीजों को डेडिकेट कर सकते हैं किसम पे, देयर स्मॉल सिली माइंड्स टू विद इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब ऐसा पाप जिसमें माफी की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो मतलब माफ माफ किया जा सकने वाली गलती के फॉर्म में उसको, उन स्मॉल सिली माइंड्स को ये डेडिकेट कर दिया है। क्या चीज? ट्रेडिशन, जो कि पुराने टाइम से चली आ रही। सो दिस वे, अभी ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, आई थिंक 5 to 6 मोर वीडियोस विल बी देयर टू कवर अप। एक लंबा चैप्टर यदि मैं बनाती हूँ तो आप इससे ज्यादा इसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, या मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में लिखें। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। गुड बाय।